अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू मासूम क्ले क्रंच। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये पूरी छत जो है गीली पड़ी हुई हैगी। बारिश तकरीबन रात से हो रही है, इस टाइम शाम के 6 बज रहे हैं। मैं छत पर आई हूँ, देखिए हमारे टेक्सचर भी सारे कवर हैं। आज कोई वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं की है, सोचा अभी पानी रुका हुआ है तो एक व्लॉग ही बना लेते हैं। चलिए देखते हैं टेक्सचर कौन से सूखे हैं, कौन से गीले हैं। हम इसको अपने टेक्सचर्स को अनकवर करते हैं एक एक करके। चलिए हम पूरा टेक्सचर नहीं खोलेंगे, हम सिर्फ थोड़ा सा जो सी हमें क्रम्बलिंग करनी है हम सिर्फ उसे अनकवर करेंगे। ये देखिए हमारा सैंड सीमेंट, ये देखिए हमने पूरी तरह से अनकवर नहीं किया टेक्सचर्स को, ये आप देख सकते हैं। चलिए वीडियो, मटकी स्लैब्स मैंने बनाई थी, देखिए कवर करने के बावजूद पानी आता है। बारिश लगातार अगर होती है तो टेक्सचर्स ज़रूर भीगते हैं। चलिए अच्छा हम अपनी क्रम्बलिंग स्टार्ट करते हैं। जो टेक्सचर हमारे सूखे रह गए हैं हम इन्हीं वेट टेक्सचरों पर उनकी क्रम्बलिंग कर लेते हैं। इसकी क्रम्बलिंग हम फटाफट से कर लेते हैं, हम ये टेक्सचर को फिनिश कर देते हैं। खुदा ना खासा अगर रात में बारिश फिर हुई तो हो सकता हो ये भी गीले हो जाए, तो क्यों ना हम वीडियो ही रिकॉर्ड कर लें, क्यों ज़ाया जाने दें इन्हें। बारिश तेज़ नहीं लेकिन धीमे धीमे होती रही है, ये रुक रुक के। और आज मौसम भी नम सा रहा है, बिल्कुल ठंडा रहा, अच्छा रहा, खुशगवार मौसम, लेकिन कोई काम नहीं हो पाया आज। इनमें नमी चली गई है, ये थोड़े हार्ड हो गए हैं, देखिए Thank you.
ये पूरी तरह से फुल ड्राई है। अगर धूप निकली होती तो इतना डस्टी होता टेक्सचर। ये मौसम की वजह से डस्ट है बट उतनी नहीं जितनी होती है इसकी, एक्चुअल डस्ट जितनी इसकी है। भड़ा भड़ा बहुत कहते हैं टेक्सचर।
चलिए इधर थोड़ी सी हमारी वाइट डर्ट है कुछ छोटे से बकेट में, हम उसे क्रम्बलिंग कर लेते हैं। ये देखिए ये वाली वाइट डर्ट को हम इसमें वाटर पेस्ट में क्रम्बलिंग कर लेते हैं। ये सब इसमें सोक कर देते हैं। ये हमारी रेड सैंड जिसकी वीडियो इंशाल्लाह कल मैं अपलोड करूँगी। और देखिए हमारी टेक्सचर, ये एशेस का है, ये सूख जाएगा एक दो दिन में। ब्लैक मड, ब्लैक सैंड। चलिए ब्लॉग को एंड करते हैं। चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। दुआओं में याद रखिएगा।